शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक बाकमाल बच्चा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनवरा हाजरी पर एक लड़का आपकी खिदमत में पेश किया गया। उसने 17 कुरानी सूरतें हिफ्ज कर ली हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के तौर पर कुछ सुनाने को फरमाया। लड़के ने आपके सामने सूरह काफ सुनाई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसर्रत का इजहार फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खतूत यहूद के पास भिजवाने होते वो यहूदी ही तहरीर करते थे। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूद की खतो किताबत पर मुझे इत्मीनान नहीं कि वो गड़बड़ न कर देते हों, तुम यहूद की जबान सीख लो। इस लड़के ने सिर्फ 15 दिनों में यहूदियों की इब्रानी जबान सीख ली और बाकायदा तहरीर भी लिखना शुरू कर दी। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदियों के जो खतूत आते उनके पढ़ने की जिम्मेदारी भी इस कम उम्र के जिम्मा थी। बाज़ रिवायात में इब्रानी की जगह सुरियानी जबान सीखने का भी आया है। ये लड़का सहाबा में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर था। आप अपने ज़माना के जलीलुल कदर सहाबा में शुमार होते और बड़े मुफ्ती समझे जाते। ख़ास तौर पर इल्मे मेराज के माहिर थे। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 11 बरस थी।